साक्षरता सविता प्रेरक संघ ने मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन दी चेतावनी। जिले के साक्षरता प्रेरक संघ के पदाधिकारियों ने सेवा बहाली व महापंचायत बुलाकर उनकी मांग पूरी नहीं की जाने की मांग को लेकर मुख्यालय में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और आचार संहिता के पहले उनकी मांगों को ध्यान न देने और कोई सुनवाई नहीं होने पर चेतावनी देते हुए कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह बाधा उत्पन्न करेंगे, साथ ही चौपाल लगाकर भाजपा सरकार को वोट नहीं देने की अपील भी करेंगे। वहीं बताया गया कि सविता प्रेरकों की राज्य सरकार के अधीनस्थ संचालित साक्षर भारत मिशन वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018 के अंतर्गत कार्यरत सविता प्रेरकों को राज्य शिक्षा केंद्र पत्रानुसार नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना पत्र के पद से 31 मार्च 2018 को पृथक कर दिया गया, जिसको लेकर कई बार आवेदन निवेदन किया गया, बावजूद सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कि सभी पदाधिकारियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। BNN टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। महापंचायत बुलानी होगी, जिंदाबाद। हमारी मांगे हैं कि पैरक को सभी भाई बहनों पैरक जो है वो उन्हें ले लिया जाए, हमारी सेवा बहाली कर किया जाए। तो क्या क्या है मांगे और कब से है ये मांगे? हमारी 5-6 साल हो गया है, चल रही है। तो हमारे को नियुक्ति किया गया था 13 से और हमारे को निष्कर्ष किया गया 18 से। अपनी सेवा बहाली और महापंचायत को लेकर CM साहब के नाम ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर महोदय को। हमारी लगभग जो है आज 5 साल हो गया, हमारी मांग लंबित है, 5 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी तक हमारी सेवा बहाली हुई मार्च 2018 में, हमारी सेवा को मुक्त किया गया है और बिना सूचना के किया गया है। जब से हम लोग जो है निरंतर शासन प्रशासन को अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित करते आ रहे हैं, धरना आंदोलन करते आ रहे हैं, आज दिनांक तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी ने हम प्रेरकों की सेवा बहाली नहीं की है, आज तक भी हमारी महापंचायत बुलाने का निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम लोगों ने जो है पूरे मध्य प्रदेश के 42 जिलों में आज संपूर्ण संयुक्त रूप से ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, अल्टीमेटम ज्ञापन। हमारी महापंचायत अगर नहीं होती है तो पुनः हमारी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी और निर्णय लेकर जो है जैसे निर्देश प्रदेश कार्यकारिणी के होंगे वैसे हम जिला स्तरीय कार्यक्रम उतारेंगे।